हेलो बच्चों, वेलकम टू पीडब्ल्यू। तो चलिए यहाँ पे अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आइडेंटिकल पैकेट्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम टू एरोप्लेन्स, वन अबव द इक्वेटर एंड अदर अबव द नॉर्थ पोल, बोथ एट हाइट एच। अज्यूमिंग ऑल द कंडीशंस आर आइडेंटिकल, विल दोज पैकेट्स टेक सेम टाइम टू रीच द सर्फेस ऑफ द अर्थ? जस्टिफाई योर आंसर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। एक एरोप्लेन है, ठीक है, वो एरोप्लेन मस्त आराम से उड़ रहा है और उसमें दो पैकेट्स रखे हुए हैं। एक पैकेट को तो वो तब ड्रॉप करता है जब वो नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ान भर रहा होता है, और दूसरे पैकेट को वो तब ड्रॉप करता है जब वो इक्वेटर के ऊपर से उड़ान भर रहा होता है, ठीक है। और वो जब पैकेट्स को फेंकते हैं ना, तो उस पैकेट की हाइट जो है एच ही होती है दोनों टाइम में, ठीक है। तो अपन को बताना है कि वो पैकेट का जो पहुंचने का टाइम है ग्राउंड तक, वो सेम होगा या डिफरेंट होगा, ये अपन को बताना है। तो यहाँ पे अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं, मैथमेटिक्स की हेल्प से इसको ढंग से सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले तो है ना, अपन टाइम ऑफ फ्लाइट का जो नॉर्मल और जनरल फॉर्मूला है उसको डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। देखो, मान लो ये कोई पैकेट है, इसको मैंने जस्ट ड्रॉप कर दिया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, है ना, और ये थोड़े टाइम के बाद ग्राउंड पे जाके गिर जाएगा। ग्राउंड से इस पैकेट की जो हाइट है उसको मैं एच मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। नीचे क्या एक्ट कर रहा होगा? नीचे इसमें जी एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूँ, या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज मत करो, क्योंकि यहाँ पे ना, यहाँ पे एच का टर्म है, और अगर एच का टर्म है तो आपको पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में तो एच का टर्म होता ही नहीं है। यहाँ पे अपन यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और उससे अपन ड्राइव करते हैं टाइम का टर्म, ठीक है। देखो, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या होती है? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज रखो, एस की जगह मैं एच रखूंगा, यू की जगह मैं जीरो रखूंगा, टाइम की जगह मैं टी रखूंगा, प्लस हाफ इंटू ए की जगह क्या रखूंगा? प्लस जी। प्लस जी क्यों रखा? प्लस जी मैंने इसलिए रखा क्योंकि आपको पता है कि जो बॉल है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि जी की डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको प्लस जी रखा। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको किससे? टी स्क्वायर से। तो यहाँ से आपको जो फॉर्मूला मिल रहा है टाइम का, यहाँ से जो आपको टाइम का फॉर्मूला मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? टू एच अपॉन जी का अंडर रूट। ये बेसिकली टाइम का फॉर्मूला अपन ने ड्राइव कर लिया। अब अपन बात करते हैं, टाइम निकालेंगे अपन नॉर्थ पोल के लिए, नॉर्थ पोल के केस में और इक्वेटर के केस में, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन का जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो स्टार्ट होता है। अपन को पता है कि अर्थ जो है ना वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं होती, अर्थ क्या है? बल्ज्ड होती है। जो रेडियस अगर आप मेजर करोगे ना अर्थ का पोल्स पे, तो अर्थ का जो पोल्स पे रेडियस आता है वो कम आता है एज कम्पेयर टू रेडियस विच यू मेजर ऑन द इक्वेटर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल्स इज लेस एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ ऑन इक्वेटर, ठीक है। तो जब रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल्स कम है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ ऑन इक्वेटर, अच्छा अब यहां पे देखो क्या लिख सकता हूं मैं इससे। आपको जी का फॉर्मूला पता है, दैट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू क्या होती है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। तो अगर रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल्स कम है तो उसके लिए मतलब क्या होगा? उसका मतलब क्या होगा कि जी एट पोल्स विल बी ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर। इसका डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर में आर है ना, तो डिनोमिनेटर में अगर मैं रेडियस का वैल्यू रखूंगा तो जिसका रेडियस कम होगा उसका ओवरऑल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो यानी कि जी एट पोल्स इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर, ठीक है। ये मेरी एक इक्वेशन हो गई। अब इसको यूज करते हुए मैं टाइम का वैल्यू निकालूंगा, तो एक टाइम तो क्या हो जाएगा? एक टाइम हो जाएगा टू एच अपॉन जी पी का अंडर रूट, और दूसरा टाइम क्या हो जाएगा? लेट से वो टाइम टी टू है, टू एच अपॉन जी इक्वेटर का अंडर रूट, ठीक है। तो बेसिकली दो टाइम आ गए। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है? यहाँ पे जीपी का वैल्यू जी इक्वेटर के कंपैरिजन में बड़ा है, ठीक है, तो ये ओवरऑल फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। इसका मतलब टी वन जो है वो कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू टी टू। इसका मतलब कि कौन सा वाला पैकेट जल्दी पहुंचेगा? देखो यहाँ पे टी टू बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे टी टू बड़ा है, इसका मतलब कि इक्वेटर में पहुंचने में उसको टाइम लगेगा और पोल पे जल्दी पहुंच जाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, द पैकेट विल रीच सूनर ऑन पोल। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। थैंक यू।